हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डब्लू एस क्यूबेक मैं वीरेंद्र आज हम देखने वाले हैं कि ग्रामरली का टूल आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग और ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ तो हम सारा पहले देखते हैं ग्रामरली कैसे वर्क करता है फ्री के कौन कौन से फ़ीचर्स इसके लिए आपके लिए अवेलेबल है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉक्स में है कि नहीं MS Word है एम एस वर्ड में इंटीग्रेशन इसका है कि नहीं और एक्सटेंशन जो अवेलेबल है उसके किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हम डिटेल में इसको चेक करते हैं फ्री में कैसे इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप तो ग्रामरली है क्या ग्रामरली ग्रामरली एक ए आई पावर टूल है मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक स्मार्ट टूल बनाया गया जो कि आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस देता है तो वो सजेशन को आप देख सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने ग्रामर में जो मिस्टेक्स हो टेक्स्ट जो भी राइट कर रहे हैं आप वहाँ पर कोई मिस्टेक्स होती है उसको आपको सजेशन को देख के इम्प्रूव कर पाते हैं इसमें आपको बहुत सारी टोन एंड लैंग्वेज और पंक्चुएशन और जो भी आपकी दूसरी छोटी मोटी गलतियाँ होती है ग्रामर की वो आपको दिखा देता है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं ये आप चाहे ई कर रहे हो चाहे ब्लॉग पोस्ट पब्लिशिंग कर रहे हो सोशल मीडिया पर पोस्ट पब्लिशिंग कर रहे हो तो एक अच्छा बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको हर हर किसी को आज जो भी काम कर रहा है उनको यूज करना चाहिए तो आइडियल टूल एक है जो कंटेंट राइटर्स है उनको ये टूल यूज करना ही करना चाहिए उसके अलावा ऑथर्स हैं और बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं जो कि कैप्शन वगैरह अगर चेक करना चाहते हैं उसमें कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं रह जाए ग्रामर की उनके लिए और जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए एक मस्ट यूज टूल है ग्रामरली तो हम उसके बारे में देखते हैं अब की फीचर्स कौन कौन से है ग्रामरली के जो इंपॉर्टेंट फीचर जो फ्री के साथ आपको मिलते हैं फर्स्ट की ग्रामर चेक कर लेता है आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कुछ होती है वो आपको शो कर देता है देन पंक्चुएशन मतलब कॉमा या और दूसरे जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह फुल स्टॉप्स तो सारे कुछ चीज़ें ये होती है मिस्टेक्स वहाँ पे आपको डिटेक्ट करके सजेशन दे देता है इसमें देन रिडेबिलिटी स्कोर दिखाता है जो आपने टेक्स्ट है आपका उसका स्कोर क्या है जब आप टूल के अंदर चेक कर रहे हो तो ग्रामरली के अंदर तो स्कोर आपको दिखाता है देन वर्ड काउंट आप देख सकते हैं उसके अंदर जो भी आपने ग्रामरली में वर्ड काउंट डाल वहाँ पे एंटर किया सारा फॉर एग्जाम्पल आपने एक आर्टिकल एंटर किया वहाँ पे ग्रामर चेक करने के लिए और तो लास्ट में आपको वहां पर देख सकते हैं वर्ड काउंट कितनी है देन डाउनलोड एंड अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल आपने आज ग्रामरली ओपन किया और उसके अंदर सारा अपना आर्टिकल लिख दिया तो वहां से आप उसको वर्ड फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्मेट जो सपोर्टेड है हम देखने वाले अभी कौन कौन से सपोर्टेड है तो उनमें वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो फिर जब ग्रामर इंप्रूव करनी है तो आपको डायरेक्ट अपनी जो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ अपने आर्टिकल का वहां पर अपलोड कर सकते हैं और उसको आप पर, वहाँ पर चेक कर सकते हैं क्रोम एक्सटेंशन भी इसका अवेलेबल है जो कि आपको सबको यूज करना चाहिए हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं देन एमएस वर्ड के अंदर इसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है तो हम देखते हैं कि ग्रामरली को आप कैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स मतलब जैसे वर्ड प्रेस यूज कर रहे हो तो वर्ड प्रेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं जी मेल के अंदर मेल कर रहे हो उसी टाइम आप चाहते हो कि मेल करते करते मुझे सजेशन मिल जाए ग्रामर के वो कैसे कर सकते हैं दैन सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पोस्ट कर रहे हो तो आप जब कैप्शन एंटर कर रहे हो तो वहीं भी आपको ग्रामरिका के सजेशन मिल जाते हैं दैन गूगल डॉक्स के अंदर ही आप जब टेक्स्ट टेक्स्ट राइट कर रहे हो अपना आर्टिकल लिख रहे हो या फिर दूसरा कोई कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ग्रामरली के सजेशन मिल जाते हैं यूट्यूब के जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो कमेंट्स कर रहे हो वहाँ पर भी ये आइडियाज ऑप्शन अवेलेबल है तो हम देखते हैं कि ग्रामरली को कैसे यूज़ करना है फ्री में तो सिंपली आप ग्रामली डॉट कॉम पर जाएंगे वहाँ पे अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप या लॉगिन कर लेंगे जैसे मैं पे अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन इन कर रहा हूँ यहाँ पे तो जैसे मैंने साइन इन किया यहाँ पे एक डेमो डॉक्यूमेंट दिखाएगा आपको तो ये डमी डॉक्यूमेंट है एक जिसके थ्रू ग्रामरली आपको दिखा रहा है कि कैसे वर्क करता है फॉर एग्जाम्पल इन्होंने में दिखा दिया कि इफेक्ट का अफेक्ट वर्ड इसका राइट right है यहाँ पर तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली तो एक्सेप्ट हो गया देन मिस यूज कॉमास के बाद मतलब कॉमास यूज नहीं होना चाहिए था तो सजेशन ने पंक्ुएशन की मिस्टेक को डिटेक्ट कर लिया टेक्स्ट में से देन ऑल्सो शोड यू शोड यू की जगह यहाँ पर शो आएगा तो ये डिटेक्ट कर लिया उन्होंने ग्रामर मिस्टेक देन यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स होती है वहां पे वो रेड मार्क या फिर ग्रीन मार्क कर देगा आपको

और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आप जैसे जाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपलोड फाइल कर सकते हैं तो हम इसके वापिस इस होम पेज पे आता है ग्रामरली के तो जैसे कि यहाँ पे फीचर्स देखेंगे अभी कौन कौन से फीचर्स है फ्री में तो हम यहाँ पे ग्रामरली के ऐप वाली स्क्रीन पर आ गए वापस होम पेज पे तो जब भी आपको कुछ करना हो चेक कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो यहाँ पे न्यू में जाएंगे न्यू में जाके आप समझ लो आपने एम एस वर्ड ए गूगल डॉक्यू में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है तो उस वहाँ से कॉन्टेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं राइट यहाँ पर और वहाँ पर ही सारे सजेशन चेक कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन इसका ये हो सकता है कि आप अपलोड कर ले फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड में मैंने कोई फाइल क्रिएट की है तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आ, फाइल जो एमएस वर्ड में थी उसको यहाँ पे अपलोड कर लिया तो यहाँ पे गोल सेट करने का भी दिखाता है कि आपकी ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस है वो नॉलेजेबल है जनरल है कि एक्सपर्ट है तो आप उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हैं समझ लीजिए आपने कभी बी टू बी के लिए कंटेंट लिखा जिसमें बिजनेस टू बिजनेस के लिए है कंटेंट तो उस टाइम आप रख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट है या फिर जो जनरल ऑडियंस के लिए तो जनरल रख सकते हैं देन आपकी टोन एंड पिच के अकॉर्डिंग सजेशन देगा इसका ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर्मेलिटी डोमेन टोन इनका मतलब यह है कि आपको सजेशन उस हिसाब से देगा ये कॉन्टेंट के कि आपकी टोन एंड पिच किस टाइप से बनी है तो जो सजेशन अंडरलाइंस वगैरह मिलेगी वो थोड़ा उस हिसाब से आपको अलग से मिलेगी तो एक बहुत ही अच्छा टूल है इसमें देन आप टोन चेक कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्फिडेंट फॉर एग्जाम्पल जब अच्छा कॉन्टेंट लिख रहे हैं तो आपके जो वर्ड्स वगैरह होते हैं वो कॉन्फिडेंट साउंड करने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट करके डन कर दिया तो इन्होंने डिटेक्ट करके अपने को दिखा दिया यहाँ पर कौन कौन सी मिस्टेक्स है फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म यहाँ पे द टूरिज़्म आना चाहिए अपोजिट से पहले ये मिस्टेक थी तो जो मिस्टेक्स होगी वहाँ पे अंडरलाइन कर देगा और हम यहाँ पे चेक करके उसको ठीक कर सकते हैं अब अभी और सजेशन है जो कि अब जो एडिशनल सजेशन जो दिखा रहा है येलो कलर के अंदर वो है कि प्रीमियम फीचर्स के अंदर है फॉर एग्जाम्पल हमने टोन वगैरह सेलेक्ट की तो टोन वगैरह ये सब चीज़ें कुछ प्रीमियम प्रीमियम फीचर्स है फ्री वाली अवेलेबल नहीं है लेकिन फ्री वाले में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक कर लिए टाइपोज ठीक कर लिए हमने ग्रामर में कुछ जो इशूज थे वो ठीक कर लिए और पंक्चुएशन मार्क्स के इशूज थे उनको ठीक कर लिया हमने अब हम देखते हैं कि क्रोम एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करना तो सिंपली आप ऐसे यहाँ पर सर्च करेंगे ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन तो यहाँ पर हम ग्रामरली फ्रॉ ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे एड टू क्रोम देन एड एड एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा गूगल में मेरे गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर जैसे आप देख सकते हैं अब इसमें ग्रामरली अब एक्टिव हो चुका है मेरा अब जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ

अमेरिकन इंग्लिश में चूज कर सकते हैं कौन सी इंग्लिश की आपको सजेशन चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रिटिश इंग्लिश को चूज़ कर लिया तो सजेशन जो स्पेलिंग के होंगे वो इसी तरह दिखाएगा आपको जैसे बिहेवियर की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर ठीक कर ली तो यहाँ पर टू स्टार्ट है वो स्पेलिंग आपको ठीक करनी है वो सीख कर सकते हैं देन कॉम्पिटिशन के बाद कॉमा आना चाहिए तो जो भी मिस्टेक्स है आपको इसके अंदर मिल जाती है और उनको आप ठीक कर पाते हैं दूसरा अगर समझ लीजिए मैं अब यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि अब जैसे मैं लिंक पे जाता हूँ मैं कोई पोस्ट करने जाऊंगा तो ये हमने देख लिया कि गूगल डॉक्स के अंदर ये कैसे वर्क करता है फ्री में आपको सजेशन मिल जाते हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप उनको अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर पाते हैं और ग्रामर मिस्टेक को ठीक कर पाते हैं हम दूसरा आप देखते हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि कैसे वो लिंकडिन पे अभी हम लिंक का एग्जाम्पल लेते हैं बाकी सोशल मीडिया सारे पे सब पे वर्क करता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिंकडिन पे एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और समझ लीजिए मैंने यहाँ से कोई टैक्स सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे मैं पोस्ट करना है मुझे तो अब देखेंगे यहाँ पर ये यह ग्रामरली का एक्सटेंशन है स्टार्ट कर दिया अपना वर्क और यहाँ पे हमको सजेशन दिखा दी कि यहाँ पे एंड को मार्क कर दिया एंड किस से पहले कॉमा आना चाहिए तो और कुछ मिस्टेक्स होगी समझ लीजिए कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया या फिर कुछ और मिस्टेक्स होती हो इसमें अगर तब अब जहाँ मिस्टेक्स दिखा देगा अपने को या आप वन क्लिक कीजिएगा विदाउट डैश नहीं आएगा डैश के साथ आएगा तो जैसे इस सोशल मीडिया भी पोस्ट करेंगे सजेशन तो में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगह पर आपको ये सजेशन मिल जाते हैं अब बाकी हम देखते हैं कि वर्ड के अंदर ये कैसे काम करेगा तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार

पे फुल स्टॉप प्रॉपर नहीं है फुल स्टॉप का स्पेस आएगा लार्जर की जगह द लार्जर आएगा तो ये सारी मिस्टेक्स आप पे को एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद वर्ड प्रेस के अंदर भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं और आप गूगल डॉक्स एम एस वर्ड सबके अंदर ये अवेलेबल हो जाते हैं हमारा वीडियो है ग्रामरली प्रीमियम के ऊपर कि ग्रामरली प्रीमियम क्या है और ग्रामरली फ्री और ग्रामरली प्रीमियम में क्या डिफ्रेंसेज हैं कौन कौन से फ़ीचर्स आपको प्रीमियम के साथ एडिशनल मिलते हैं इसकी कॉस्ट क्या है और एग्जैक्टली exactly क्या क्या लिमिटेशन भी है इसके प्रीमियम में कि फॉर एग्जाम्पल अनलिमिटेड चीज़ें हर कोई प्रीमियम फ़ीचर में भी नहीं मिलती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रीमियम आप यूज़ लेकर बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं तो हम सारे बेनिफिट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज और वन बाय वन हम देखेंगे कि वो फीचर्स कैसे वर्क करता है तो कुछ फीचर्स जो है बेनिफिट्स जो है बेनिफिट्स ऑफ फीचर हम दोनों का एक बात करेंगे एक बार कि प्ले में चेक कर जो है वो आपको ग्रामरली का फ्री फ्री में जो नहीं मिलता है वो आपको प्रीमियम के साथ मिलता है और काफ़ी एक्यूरेसी उसकी काफी अच्छी है वर्ड लिमिट भी काफी अच्छी है हम आगे देखने वाले कि वर्ड लिमिट कितनी है प्लेग्रिस्ट में चेक करने की तो जो फ्री वाले टूल्स हैं उनसे काफी अच्छी एक्यूरेसी है और आपको इंडियप गाइडेंस मिल जाता है वहीं पे आप ग्रामर को फॉर एग्जांपल आप प्ले में चेक कर रहे हैं और कुछ परसेंट फॉर एक्जाम्पल टू परसेंट आपका प्ले में दिखा रहा है कॉन्टेंट में तो वहीं पर आप ठीक करेंगे और इंस्टेंटली वो लाइव रियल टाइम में चेक करके दिखा देगा बाकी जो फ्री वाले टूल्स है वो रियल टाइम में चेक करके नहीं दिखाते आपने एक बार ठीक किया फिर वापस आपको रीचेक करना पड़ेगा तो ग्रामरली का बेनिफिट ये है कि रियल टाइम में चेक करेगा आपने समझ ली एक उसी लाइन जो प्ले ग्रिज वाली लाइन थी सेंटेंस को चेंज किया अगर वो आप हाथों चेक करेगा और आपको दिखा देगा कि वो अब प्ले में फ्री है कि नहीं है और उसमें फिर भी अगर दिख रहा है तो आपको वापस आप उसको और चेंज करना पड़ेगा तो रियल टाइम में चेक हो जाता है बार बार आपको मल्टीपल टाइम्स चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहती देन जो फ्री में जो टूल अवेलेबल है ग्रामरली का उसमें जो ग्रामर मिस्टेक्स चेक होती है वो लिमिटेड है वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स के अगर देख सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स देख 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 सकता है लेकिन जो प्रीमियम वाला टूल है एडिशनल सजेशन ग्रामर के बहुत सारे मिलते हैं वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं अभी कि सजेशन वर्ड्स के कि वहीं पे कोई वर्ड यूज किया उससे बेटर वर्ड यूज़ हो सकता था आपकी राइटिंग में तो उसका सजेशन मिल जाता है दूसरा सिनोनिम्स दिखा देता है वर्ड्स की कोई को राइट सिनोनिम यूज़ करनी थी तो उसका सजेशन मिल जाता है आपको वहीं के अंदर देन कोई सेंटेंस है उसको आपने सही तरीके से नहीं लिखा है तो वहां पर सजेशन देता है कि इस तरीके से सेंटेंस को अच्छे से और लिखा जा सकता है तो ये सजेशन भी आपको मिल जाता है जो कि फ्री वाले वर्जन में नहीं मिलता है देन वोकेबल इंप्रूवमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं एंड साइटेशन वगैरह कहीं देना होता है एग्जाम्पल आपने कुछ कोटेशन वगैरह यूज किया है तो साइटेशन देना है तो वो भी आपको दिखा देता है कि आप यहाँ पे सब चीजें मिसिंग है तो ये सारी चीजें प्रीमियम वाले में ही अवेलेबल है जो आपकी ग्रामर को और कंटेंट राइटिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती है देन क्लैरिटी एंड रेडेबिलिटी इंप्रूवमेंट के सजेशन मिलते हैं आपको स्कोर दिखाएगा स्कोर के अंदर दिखा देगा कि क्या क्या चीजें ठीक नहीं है और अभी हम इसको एक ट्यूटोरियल के साथ देखने वाले हैं कोई डॉक्यूमेंट के साथ कि कैसे वर्क करता है देन एडिट सेंटेंस सेंटेंसर अगर कोई आपके सेंटेंस लिखा उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है कहीं पर कुछ मिसिंग है तो और या फिर उसको रीफ्रेज वाली जैसे हम लोग पर डिस्कस किया था और रीफ्रेजिंग वाला भी है तो आप सजेशन मिल जाता है आपको जो सजेशन मिल रहा है उस पर क्लिक करते ही सीधा वो सजेशन एक्सेप्ट हो जाएगा आपको वापस रीराइट करने की जरूरत नहीं है तो काफी आपकी जो लाइफ को ईजी बना देता है ग्रामरली प्रीमियम तो जो प्रीमियम वाले ग्रामरली के फीचर्स हैं तो काफी वर्थ इट है वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि तो आप जब डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपने जो क्रिएट कर रखा है उसको वहाँ पे पेस्ट करके चेक कर रहे हैं उसकी ग्रामरली प्रीमियम के साथ तो आप टोन वगैरह भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब कोई आप बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए कोई कॉन्टेंट लिख रहे हैं तो आपके टोन को चाहिए कॉन्फिडेंस वाली होनी चाहिए तो वहाँ पर आप, आप चूज कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंट टोन के साथ मुझे कॉन्टेंट चेक करना है तो आप उसी तरह से आपको सजेशनस देगा देन गोल्स वगैरह सेट कर सकते हैं कि आपके ऑडियंस कौन है और उनके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या फॉर एक्जाम्पल बिगिनर्स हैं एक्सपर्ट हैं इंटरमीडिएट हैं उस हिसाब से आपको सजेशन देगा उसके अकॉर्डिंग देन गेट सपोर्ट अगर आपको कोई इशूज़ आते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रामरली में कोई इशूज़ आ रहे हैं कि वर्ड सजेशन प्रॉपर नहीं आ रहे या फिर कुछ फीचर्स अनलॉक नहीं हो पा रहे वर्ड लिमिट है जो प्रॉपर अनलॉक नहीं कर पा रहे आप तो सपोर्ट को सीख कर सकते हैं कोई भी इशूज आते हैं तो फ्री वाले में आप सपोर्ट नहीं ले सकते प्रीमियम वाले के साथ सारा सपोर्ट आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने ग्रामरली में कॉन्टेंट क्रिएट किया और गलती से आपसे डिलीट हो जाता है तो आप सपोर्ट लेके आप उसको रिकवर कर सकते हैं हम एक वीडियो में नेक्स्ट अलग से देखेंगे कि आपको अगर डॉक्यूमेंट गलती से डिलीट हो जाता है तो प्रॉपरली इसको रिकवर कैसे करना है तो ये कुछ फीचर्स थे और उसके साथ फ्री में जो अवेलेबल है फ्री वर्जन के साथ फीचर्स वो तो मिलते ही है जैसे कि कौन कौन से हैं कि डेस्कटॉप एप्स फॉर एग्जाम्पल विंडोज के लिए यूज कर सकते हैं आईओज के लिए आप इसको ग्रामरली को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं ऑफलाइन वे में देन एम एस ऑफिस के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते एमएस वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं और आउटलुक अगर यूज कर रहे हैं आउटलुक के अंदर भी आपको ग्रामर के सजेशन मिल जाएंगे देन स्पेलिंग पंक्चुएशन एरर्स वगैरह और क्रोम एक्सटेंशन जो है वो फ्री में अवेलेबल है आप इजिली यूज कर सकते हैं अब देखते हैं लिमिटेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है फ्री प्रीमियम के साथ साथ ऐसा नहीं कि प्रीमियम का फॉर एग्जांपल प्लेग्रेस में चेकर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसमें अनलिमिटेड वर्ड्स आप एक बार में डाल के चेक कर लोगे जब ग्रामरली प्रीमियम यूज करेंगे तो वहाँ पे जो टेक्स्ट एंटर करेंगे आप चेक करने के लिए उसमें एक लाख कैरेक्टर्स हो सकते हैं एक लाख कैरेक्टर्स से ज्यादा हुए तो आपको वहां पे सेकेंड राउंड में चेक करना पड़ेगा उसको तो आपने एक अकाउंट प्रीमियम का अकाउंट फॉर एग्जाम्पल आपने जीमेल अकाउंट था आपका उस उसपे प्रीमियम का एक्सेस ले लिया तो उसको आप पांच लोगों को आप अकाउंट वो डिटेल्स शेयर करके तो वो अकाउंट आप पांच लोगों के साथ शेयर कर सकते हो फॉर एग्जांपल एक ही जीमेल अकाउंट से पांच लोग अगर यूजर्स हो आपके तो आप उस पर सबको यूज़ कर सकते हो एक साथ पांच से ज़्यादा होगा तो उसमें फिर एरर्स आने शुरू हो जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात करते हैं ग्रामरली में क्या होता है कि आप, आप फॉर एग्जाम्पल आपने एम एस वर्ड का डॉक्यूमेंट है आपके पास उसमें आपने कॉन्टेंट क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पे जाकर अपलोड कर सकते हैं उसको और वहाँ पर ही ग्रामरली के अंदर ही वहाँ पे चेक कर सकते हैं तो जो अपलोड की साइज है डॉक्यूमेंट की वो फोर एम बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट में भी जो वर्ड लिमिट है डॉक्यूमेंट जो एम एस वर्ड में क्रिएट कर रखा है आपने वो भी हंड्रेड के करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसमें कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्टेड है उसमें डॉक्स है टी एक्स टी है डॉग है आर टी एफ है एन ओडीटी है देन नेक्स्ट थिंग कि एक दिन में आप लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आपका जो लिमिट है डॉक्यूमेंट चेक करने की वर्ड काउंट चेक करने की वो है हंड्रेड डॉक्यूमेंट्स और फिफ्टी थाउजेंड वर्ड्स ऊपर जब बात करते करेक्टर्स की कर रहे थे कि एक लाख करेक्टर्स लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स की बात करें तो लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में आप फिफ्टी थाउजेंड वर्ड्स चेक मतलब ऐसा मान कर अगर इन जनरली बात करें तो सिर्फ ऐसा मान सकते हैं कि एक दिन में आपको पचास हज़ार वर्ड चेक करने को मिल जाता है ग्रामरली में और डॉक्यूमेंट्स की बात करें टोटल हंड्रेड डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं तो कॉस्ट क्या है ग्रामरली प्रीमियम का वर्जन जो है वो कितने में आपको मिलता है पाँच यूजर्स को यूज़ करने के लिए तो ट्वेल्व डॉलर पर मंथ जो कि सबसे ईजी प्लान है और मतलब बाकी अगर हम जो प्रीमियम टूल्स हैं ग्रामरली के अलावा जैसे कि फॉर एक्जाम्पल कॉपीज कैप है जो कि जो प्लेग्रीज में चेक के टूल्स हैं और ग्रामरली वो ग्रामर वाले सजेशन वो नहीं देते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है डुप्ली चेकर की बात करें जो कि ग्रामर नहीं है ग्रामर के साथ वर्क नहीं करता वो सिर्फ डुप्ली च... आपकी जो कॉन्टेंट की डुप्लीकेट कॉन्टेंट वाला प्रिज चेक करता है तो उनके प्लान इनसे ज्यादा एक्सपेंसिव है तो फ्री में ये सारी चीजें मिलती है और प्रीमियम के साथ आपको ये सी... मिल जाती है और तो प्रीमियम के साथ ये सारी फीचर्स मिल जाते हैं आपको बेनिफिट्स वगैरह जो हमने डिस्कस किए थे अभी डिटेल में और इसके अलावा एक प्रीमियम के अलावा एक बिजनेस प्लान भी आता है जो कि कॉर्पोरेट्स वगैरह बिजनेसेस उनको सबको बिजनेस फॉर एग्जांपल हंड्रेड लोग हैं और सबको अकाउंट में

देख लेते हैं यहाँ पे जैसे कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक डॉक्यूमेंट था मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ पे सजेशन देना स्टार्ट कर दिया इसने मुझे 81 वन सजेशन टोटल देगा ओवरऑल स्कोर भी सिक्सटी एटी दिखाया है जो कि कम है काफी पैसे वाइस ज्यादा तो का सजेशन दे दिया बैकहैंड की स्पेलिंग में यहाँ पे दिखा दे कि बैकहैंड ये वाला यूज कर सकते हो आप देन लारावेल जो भी एरर्स है ना दिखा देगा जैसे देन है देन की आपको कि देन वर्ड यूज यहाँ पे नहीं बैठ रहा प्रॉपर पी एच पी बेस्ड है तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए वो तो ऐसे जो ग्रामर के सजेशन है काफी सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इतने सारे एरर्स के मिस्टेक्स को इन्होंने दिखा दिया करेक्टनेस को क्लैरिटी कैसे ठीक करनी है क्लैरिटी का मतलब है कि सेंटेंस कितना क्लियर है और इजी टू अंडरस्टैंड है तो वहाँ पर जो एरर्स है वो अलग से दिखा दिया करेक्टनेस में दिखा देता है स्पेलिंग्स और ग्रामर के जो मेजर इशूज है फॉर एग्जाम्पल पंचुएशन के मार्क्स की मिस्टेक्स है और टाइपोज वगैरह कुछ है वो आपको करेक्टनेस में दिखा देता है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं प्ले में चेक करके इसी टूल के अंदर ये प्ले में चेक करेगा और हमको दिखा देगा कि कितना परसेंट यूनिक कॉन्टेंट है कितनी परसेंट डुप्लीकेट कॉन्टेंट है जैसे दिखा दिया कि लुक्स लाइक योर टैक्सेज हंड्रेड परसेंट ऑरिजिनल तो जैसे इसमें यूनिक था कॉन्टेंट तो इसने कोई दिखाया नहीं एर अगर हम एर चेक भी करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आज मैं डब्लू एस क्यूबा के ब्लॉग से कोई कॉन्टेंट यूज़ कर लेता हूँ और ग्रामरी में चेक कर लेंगे अभी इसको तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने कुछ कॉन्टेंट ले लिया तो यहाँ से मैं प्ले में चेक कर लेता हूँ कि कितना परसेंट यूनिक है कितना परसेंट कॉपीड है कॉन्टेंट तो इसने हंड्रेड परसेंट दिखा दिया क्योंकि मैंने अभी डब्लू एस क्यूबेक से ब्लॉग से ही इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया तो सोर्स भी दिखा देगा कि कहाँ से ये कॉन्टेंट डुप्लीकेट हो रहा है जिसने दिखा दिया डब्लू एस क्यूबेक की साइट से जैसे आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू एस क्यूबेक से हंड्रेड परसेंट कॉपी कर रहा है आपका कॉन्टेंट तो इस तरह से आपको सारे सजेशन मिल जाता है प्ले में चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है और लिमिटेशन हमने डिस्कस कर ली कि कौन कौन से लिमिटेशन आपको मिल जाती है वहाँ पे आप इसको क्रोम के ऊपर भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन के अलावा आप जो एम एस वर्ड है एम एस आउटलुक एम एस वर्ड है और जो आपका आउटलुक है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको डायरेक्टली और सारे प्रीमियम फीचर्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको देन थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो विंडोज़ के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं और विदाउट क्रोम को ओपन किया आप ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं तो मैंने सर सारे अभी इंस्टॉल कर रखे हैं तो इसे ग्रामरली में यहाँ पर देखता हूँ मैंने अभी से अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन इन किया जिसकी जो कि फ्री वाला है अब इसको मैं प्रीमियम वाले से कर लूँगा एक्सेस तो जो सारे प्रीमियम फीचर्स थे वो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे एंड थर्ड हम वर्ड की बात करते हैं वर्ड के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो प्ले में वगैरह है सजेशन है ग्रामरली के सारे इसी के अंदर आपको वर्ड के अंदर ही सारे मिल जाएंगे ऑप्शन तो आपको कहीं बाहर ब्राउजर वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार लॉगिन करना होगा जैसे आप ओपन ग्रामरली करेंगे तो मैंने अब इसमें जो फ्री वाला अकाउंट वो लॉग इन किया हुआ है तो यही सजेशन दिखा रहा है अगर मैं प्रीमियम वाला यूज़ करता हूँ वैसे मैंने प्रीमियम वाले एक से लॉग कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशन यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा तो इतने सारे सजेशन जो थे जो कि फ्री वाले में इतने सारे नहीं दिखा रहा था मुझे तो प्रीमियम वाले में सारे सजेशन शो कर दिए कि इतने सारे आप चीज़ें ठीक कर सकते हो अभी तक डिटेक्शन चल रहा है इसका तो सारे इश्यूज दिखा दिए करेक्टनेस का जैसे हमने वहाँ पे टूल के अंदर देखा था तो यहाँ पर ऑल इशूज एक बार में दिखा दिए देन तो करेक्टनेस को अगर रेड वाले जो मार्क्स आते हैं वो देखना है अलग से तो रेड वाले दिखा दिए क्लैरिटी के लिए एरर्स कुछ जो थे जो एंगेजमेंट वाले एरर्स थे तो ये सारी चीजें दिखा दी अब मुझे देखना है प्ले तो वर्ड में चेक तो दिखा तो दिखाया है मुझे, कि तो इस वेबसाइट से आपका ये वाला लाइन यहाँ पर मुझे मैच कर रहा है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है और कौन सा सेंटेंस मैच कर रहा है मेरा और इसको रियल टाइम में इम्प्रूव भी कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लाइन को हटा देता हूं फॉर एग्जाम्पल तो आपसे री चेक करेगा इंस्टेंटली रियल टाइम में और रियल टाइम में आपको दिखा देगा कि अब आप, आपका कंटेंट यूनिक है पूरी तरह से इस वीडियो का टॉपिक है ग्रामरली में चेक कर जो ग्रामरली का टूल अवेलेबल है प्लेग्रूम चेक करने के लिए वो फ्री वाले टूल्स जो प्लेग्रूम चेक करने के लिए है उनसे कैसे बेहतर है और ये टूल फ्री में अवेलेबल नहीं है आपको पहले बता देता हूँ ये टूल जब आप ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन लेते हैं तब आपके साथ एनेबल हो जाता है जो ग्रामर चेक करने के लिए कुछ फ्री में अवेलेबल फ़ीचर्स हैं वो तो है ही लेकिन प्रीमियम जब लेते हैं तो प्लेज में चेक कर भी मिलता है और ग्रामरली के कुछ एडवांस फीचर जो है ग्रामर चेक करने के लिए वो भी मिल जाते हैं आपको तो हम इसका ट्यूटोरियल पूरा देखेंगे कैसे वर्क करता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्यों आपको ग्रामरली प्रीमियम लेना चाहिए अगर आप प्लेज में चेक करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा कैसे है दूसरे फ्री वाले टूल से हम डिटेल में सब चेक करेंगे तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फीचर्स कौन कौन से इसके तो इसके मेन फीचर्स फर्स्ट है कि मोर एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब है कि समझ लीजिए कि आप यहाँ पे वन थाउजेंड वर्ड का एक आर्टिकल लिखा आपने उसका प्लेक्म चेक करना है तो आपने समझ लीजिए जो फ्री में टूल्स हमने कुछ वीडियोस में लास्ट में डिस्कस भी किया ट्यूटोरियल देखा उनका पूरा जैसे डुप्ली चेकर का देखा है क्यू टेक्स्ट का देखा है स्मॉल एस टूल्स हैं वो भी है तो उनसे आप वहाँ से चेक करेंगे तो हो सकता है वो आपको हंड्रेड एक्यूरेट भी दिखा दे या फिर फाइव टेन परसेंट प्लेक्स में दिखा दे ग्रामरी से चेक करेंगे तो उनकी एक्यूरेसी क्या एक जो डेटा से कंपेरिजन करता है आपके आर्टिकल के कॉन्टेंट का और दूसरे वेबसाइट से जो ग्रामरी का डेटाबेस है वो उनसे अच्छा है तो एक्यूरेसी जो है प्रेजेंट चेक करने की वो इनकी अच्छी है समझलिए फॉर एग्जाम्पल आपकी उस टूल से फ्री वाले से दिखा रहा है फाइव परसेंट टेन परसेंट या जीरो परसेंट हो सकता है कि ये वाला ट्वेंटी परसेंट दिखाए तो आप क्या कर सकते हैं कि यूनिकनेस जो कॉन्टेंट की अपनी और अच्छे से इंप्रूव कर पाते हैं देन सेकंड फीचर है अपडेट कॉन्टेंट इन रियल टाइम कॉन्टेंट को रियल टाइम अपडेट करने का मीनिंग ये है कि समझ लीजिए आपने ऑनलाइन टूल है डुप्लीक चेक कर या फिर स्मॉल एस टूल्स वहाँ से चेक किया और वहाँ पर दिखा दिया आपको कि फाइव परसेंट प्लेग में तो आपको सेंटेंस भी दिखा दिए कि कौन सा डुप्लीकेट कॉन्टेंट है आपका तो आप क्या करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे वहाँ पे सही करेंगे प्ले को और वापस दोबारा चेक करना पड़ेगा फिर वो वापस पाँच मिनट दो मिनट जो भी प्रोसेस लेता है वापस लेगा ग्रामरली में क्या है कि आपने पेस्ट किया कंटेंट अपना और उसने दिखा दिया समझिए कि फाइव परसेंट प्लेग्रिज्म में तो आप वहीं पर बैठ के डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं और हाथों रियल टाइम में दिखा कि अब ठीक है कि नहीं हम इसको भी देखेंगे प्रैक्टिकली भी देन थर्ड फीचर है चेक चेक अप टू हंड्रेड के करेक्टर्स हंड्रेड के करेक्टर्स को अगर वर्ड्स में बात करें तो अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड वर्ड्स एक बार में आप ग्रामरली में प्लेग्रिज्म चेक कर सकते हैं ये तब सबसे अच्छा है जब समझलिए आपके पास बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं अगर समझ लीजिए आपके पास तीन हजार के वर्ड के आर्टिकल्स हैं या फिर कुछ आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख रहे हैं कुछ ट्यूटोरियल्स लिख रहे हैं कुछ ई बुक्स लिख रहे हैं और उनका कॉन्टेंट दस हजार बीस हजार पच्चीस हजार वर्ड है तो आप जब फ्री टूल से चेक करने जाओगे तो उनकी लिमिट्स होती है वन वर्ड एक बार में चेक कर सकते हैं तो वन वर्ड से आप कम से कम पच्चीस तीस बार चेक करोगे तो एक बहुत ही हैक्टिक काम और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी सारा तो ग्रामरली इसमें बहुत अच्छा टूल है क्या करके आप पच्चीस पंद्रह से बीस हजार वर्ड भी एक बार में चेक कर लेगा और आपका बहुत सारा टाइम बचा देगा और एक्यूरेसी तो जो है वो अच्छी है इसकी और उसमें समझ लीजिए कि आपको दो चार परसेंट या पाँच परसेंट प्लेगेम भी आता है तो रियल टाइम में चेक कर सकते हैं अब इतने डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा थोड़ा प्लेग्ज चेक करके आपको हम लोग तो पचास साठ बार और एक दिन में उनकी लिमिट्स भी होती है कि आप इतनी बार ही चेक कर सकते हैं तो उस टाइम आपको जो पेड टूल्स हैं प्लेसमेंट चेक करने के वो लेने ही पड़ेंगे देन फोर्थ फीचर है कि एक अकाउंट आपने ग्रामेल का प्रीमियम का लिया जो भी आपकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल ट्वेल्व डॉलर की मंथली कॉस्ट है तो एक बार आपने लिया तो उस ई मेल से जिससे भी आपने साइन अप किया लॉग इन किया प्रीमियम लेने के लिए तो उसको फाइव यूजर्स एक साथ अलग अलग डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं आपने लिया आपकी टीम में अगर चार लोग हो रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसी एक अकाउंट को देन चेक विद इन एम एस वर्ड अगर आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हैं तो एम एस वर्ड का इसका जो हमने क्लास वीडियो बनाया है हमारा कि एम एस वर्ड में ग्रामरली को इंस्टॉल कैसे करें है उसमें वर्क वहाँ पर ही दिखा देगा आप ग्रामरली वर्क करेगा और जो ग्रामर के इंप्रूवमेंट्स है प्ले ग्रेस में चेक करके भी वहाँ पर ये रियल टाइम में दिखा देगा एम एस वर्ड के विदिन ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो कुछ ये प्राइमरी फीचर्स है अलग बहुत सारे फीचर्स जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो अलग है तो हम ट्यूटोरियल देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ग्रामरली तो मेरे पास ग्रामरली का प्रीमियम अकाउंट है जिसमें हम चेक करेंगे अभी कि चेक, वर्क कैसे करता है इसके अंदर तो मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ तो मैंने एक तरफ ग्रामरली ओपन कर लिया दूसरी तरफ मैं कोई फ्री टूल ओपन कर लेता हूँ जैसे कि मैं डुप्ली चेकर ओपन कर लेता हूँ ताकि हम कंपेरिजन भी देख पाए कि ग्रामरली वर्थ इट है कि नहीं है इसका डेटा बेस सच में अच्छा है कि नहीं तो हम दोनों में देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है जैसे एक, एक डॉक्यूमेंट है ये नाइन नाइन्टी वर्ड्स मेरा अराउंड थाउजेंड वर्ड्स का कंटेंट है ये तो इसको मैंने यहाँ पे पहले ग्रामरली में यूज़ कर लेते हैं कि ग्रामरली में कैसे ये कितना दिखाता है एक्यूरेसी अपने कंटेंट की देन मैं यहाँ पे प्लेजम पे क्लिक कर दूंगा दूसरा हमने यहाँ पर डुप्लीचर ओपन किया हुआ है और एक तरफ मैं स्मॉल एस टूल्स का भी चेक कर लेता हूँ तो डुप्ली चेकर में जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेंट पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं प्लेग्रम चेक करने का स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस तो जैसे ग्रामरली फोर परसेंट प्लेग्रिसम में टोटल मेरा दिखा रहा है इस कॉन्टेंट के अंदर कि आपका फोर परसेंट है और कहाँ कहाँ से क्या मैच कर रहा है जैसे कि ये वाली लाइन मुझे इस वेबसाइट से मैच कर रही है दूसरा ये वाली लाइन यहाँ पे इससे मैच कर रही है थर्ड ये कॉन्टेंट जो दो तीन लाइन्स है और मैच कर रही है मेरी ये लाइन डुप्लीकेट दिखा रही है देन ये लाइन डुप्लीकेट दिखा रही है और डुप्ली चर भी वर्क कर रहा है और स्मॉल एसे टूल्स में भी इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ तो अब हमने तीनों टूल्स से चेक किया जैसे ग्रामरली में मुझे सिर्फ विद इन कुछ सेकेंड्स मतलब तो टेन टू फिफ्टीन सेकेंड में सारा कुछ दिखा दिया और वहीं बात करें डुप्ली चेकर डुप्ली चेकर ने अराउंड टू टू तो थ्री मिनट्स लिए और स्मॉल एसे टूल्स ने भी थ्री टू फोर मिनट्स लिए तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये हो गया होगा कि बहुत जल्दी चेक कर देता है ग्रामरली विद इन सेकेंड्स और बाकी सारे में टाइम लगता है और ये तो हम सिर्फ थाउजेंड वर्ड के आर्टिकल की बात कर रहे हैं जब आपके लेंथी डॉक्यूमेंट्स हो तो आपको बहुत सारा टाइम चेक करना है मतलब एक दो दिन तो आपको इस तरह से लग जाएंगे क्योंकि आपके साथ मिले पच्चीस तीस हज़ार वर्ग का डॉक्यूमेंट है और उसकी एक्यूरेसी भी वापिस चेक करना है कुछ जो जो डुप्लीकेसी दिखाई उसने उसको भी ठीक करोगे फिर वापस री करोगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है तो हम अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या आ रहा है जिससे स्मॉल एस्यू टूल्स के अकॉर्डिंग इसमें जीरो परसेंट है में हंड्रेड यूनिक है और इसमें और दूसरा हम डुप्लीचेकर की बात करते हैं डुप्लीचेकर भी दिखा रहा है कि आपका कॉन्टेंट हंड्रेड यूनिक है बट ग्रामरली मुझे दिखा रहा है कि फोर परसेंट प्लेग्रिज्म है और कहाँ कहाँ पर है वो सारे सजेशन भी दिखा दिए अब इन्होंने दिखा दिया अगर यहाँ पे कुछ प्लेग्रिज्म होता तो मुझे क्या करना पड़ता कि फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में प्लेग्रिज्म है तो मुझे ये ठीक करनी होती फिर सर्च को वापस से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता जीरो से और ग्रामरली में क्या है कि सम्भली वाली लाइन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट और मैं इसको सम्भली फॉर एग्जाम्पल हटा देता हूँ इस लाइन को यहाँ से इंस्टेंटली अपनी प्रोसेस शुरू कर दें प्लेग्रिज में चेक करने की और वो हटा दिया हमने यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है अपने कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग वो ठीक कर सके वापस इंस्टेंटली रियल टाइम में दिखा देता आपको तो ये कुछ फीचर्स हैं ग्रामरली इसके वर्थ इट है और बाकी टूल्स के भी प्रीमियम वर्जन ऐसा नहीं है कि डुप्लिकेट का प्रीमियम नहीं है या फिर जो क्यू टेक्स्ट है उनके नहीं है उनके भी प्रीमियम वर्जन हैं लेकिन ग्रामरली में एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको कि आप बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं टोन पिच प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करना बहुत सारे अलग एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं तो ये टूल वर्थ इट है आज हम देखने वाले हैं कि ग्रामरली जो, जो एक्सटेंशन है जो हम यूज कर रहे हैं गूगल क्रोम के साथ उसको अगर क्रोम के अलावा कहीं पे और यूज करना फॉर एग्जाम्पल आप, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही उसको यूज करना सजेशंस सजेशन को देखना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक ऑफलाइन टूल है गूगल टॉक्स वगैरह ऑनलाइन टूल है जो ब्राउजर में चल रहे हैं तो आपको वहाँ पे इश्यूज नहीं आते जिसको ग्रामरली एक्सटेंशन को यूज़ करने में लेकिन एम एस वर्ड के अंदर यूज करना है तो कैसे करेंगे तो अब देखते हैं इसको एम एस वर्ड के अंदर इंटीग्रेट कैसे करेंगे और उसके अंदर एमएस वर्ड में ही आपको सारे सजेशन राइटिंग के जो ग्रामर के सजेशन है सजेशन है वो इजिली मिल जाएंगे तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे वर्क करता है तो इस तरह से आपको कॉर्नर में दिखने लग जाएगा ओपन ग्रामरली एम एस वर्ड के अंदर तो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आपको सिंपली ग्रामरली ओपन करना है ग्रामरली ओपन करेंगे और उसमें गूगल अकाउंट आपका जो है उसके साथ साइन इन कर लेंगे या लॉग इन कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर या देखिए लॉग इन करने के बाद ये, जब डैशबोर्ड ओपन होगा वहां पर आपके आपके पास एप्स का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ग्रामरली फॉर एमएस ऑफिस ग्रामरली फॉर विंडोज ग्रामरली फॉर फॉर क्रोम क्रोम का जैसे मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ कर रखा है तो एक्टिव देख सकते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे एमएस ऑफिस के लिए अपना जो एमएस वर्ड है वो एमएस ऑफिस का पार्ट है तो हम एमएस ऑफिस के लिए उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और अगर आपको विंडोज़ की ऐप डाउनलोड करनी है तो जैसे ये वाला ऑप्शन है ग्रामरली फॉर विंडोज़ उस पर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो आपकी ऑफलाइन आप ऐप आप आ जाएगी उसके अंदर ग्रामरली को ओपन कर, कर करके आप वहाँ पर अपने र, रा, राइटिंग सजेशन वगैरह देख सकते हैं तो हम देख करते हैं इसको इंस्टॉल एम ऑफिस के लिए जैसे मैं इंस्टॉल किया तो ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी ई फाइल जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो मुझे जैसे आउटलुक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आउटलुक के साथ भी यूज़ कर हो जाएगा क्योंकि ये एम एस ऑफिस के लिए है तो ऑफिस में वर्ड के लिए जैसे अभी मुझे यूज़ करना है तो वर्ड को मैंने चेक मार्क कर रखा है और इसको यहाँ पर इंस्टॉल के लिए क्लिक कर दिया है तो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दूँगा और अब मैं यहाँ से एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन कर लिया तो यहाँ पे जैसे आप साइड में देखना देख सकते हैं कि ग्रामरली जो यहाँ पे है तो आप जैसे राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं कि ग्रामरली का एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुका है तो मैं ग्रामरली पे क्लिक करूंगा यहाँ पे सजेशन देना स्टार्ट कर देगा उससे पहले आपको अगर लॉग नहीं हो रहा है तो आपको लॉग करना पड़ेगा एक बार वापस से यहाँ पे तो जैसे मैंने लॉग इन किया वहाँ सजेशन दिखाना स्टार्ट कर देगा आपने को अब आप इसने चेक कर लिया और सजेशन देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे टूरिज्म है तो यहाँ पे कौन सा द टूरिज्म आना चाहिए तो जो भी आपकी ग्रामर में मिस्टेक्स होगी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी टाइपोज होंगे पंक्चुएशन के एरर्स होंगे तो आप एम वर्ड के अंदर ही दिख सकते हैं तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसको करने का और बाई चांस अगर यहाँ आपको आपको साइड में यहाँ पर जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर शो नहीं होता है तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे ग्रामरली का यहाँ पर आ जाएगा ऐड तो वहाँ पर भी आप उसको ओपन ग्रामरली करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको तो ये ध्यान रखना आपको कि लॉगिन क्या होना चाहिए लॉगिन होने के बाद ही आपको सजेशन दिखाएगा तो आप सिंपली गूगल अकाउंट के साथ लॉग कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रामरली को अपने एम वर्ड के अंदर ही और राइटिंग सजेशन को ले सकते हैं और अगर आपको विंडोज़ की ऐप डाउनलोड करनी है तो जैसे हम यहाँ पर एप्स पे गए थे तो विंडोज़ के लिए ऐप हम डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये विंडोज़ के लिए आपके लिए ऐप आप डाउनलोड हो जाएगी जो कि आपको डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल आपने सेव कर ली और डेस्कटॉप पे क्लिक ग्रामरली ओपन कर सकते हैं ऑफलाइन वर्जन ऑफलाइन वे में और अपने ग्रामर की मिस्टेक्स को ईजिली यूज़ ठीक करके कंटेंट राइटिंग की आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने ग्रामरली फॉर विंडोज इंस्टॉल कर लिया है तो वहाँ पे ये ओपन हो रहा है तो मुझे यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा सेम साइन इन करना कंपलसरी है चाहे ऑफलाइन यूज़ कर रहे हो चाहे ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से ग्रामरली ओपन कर लूँगा तो साइन इन करते हुए वापस से ये डेस्कटॉप ऐप ऐप जो है मेरा वो ओपन होना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ग्रामरली इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है तो ये डेस्कटॉप ऐप आ गई मेरे पास तो यहां पे मैं लॉगिन था लॉगिन में जो भी आपका डाटा है वो सेव रहता है यहाँ पे और इसको मैं ऑफलाइन तरीके से यूज कर सकता हूँ तो ये इजी वेज है सिंपल वेज है मतलब सिंपली आपको लॉग करना है एप्स के अंदर जाना है वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एमएस ऑफिस का विंडोज का या फिर क्रोम एक्सटेंशन का तो ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ग्रामरली को ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरह से चाहे उसको इजीली यूज कर सकते हैं सिर्फ एक जीमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको बस हम देखने वाले कि ग्रामरली के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो गलती से आपसे डिलीट हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये इसका तो मुझे बैकअप था ही नहीं मेरे पास और डिलीट हो गया मैं इतना मेहनत कर रखी थी वो कैसे आप रिकवर करूँ उसको तो वो इसके ऊपर हम डिटेल में देखने वाले था तो ग्रामरली में कैसे एक्चुअली होता है हम वो भी देख लेते हैं पहले फर्स्ट वर्क जैसे मैं ग्रामरली ओपन कर लेता हूँ ग्रामरली में क्या होता है कि खुद का एडिटर भी है इसके अंदर जहाँ पर अपना कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं और इंस्टेंटली आपको राइटिंग सजेशन प्ले चेक करना जो भी है आप देख सकते हैं तो समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है और गलती से समझ लीजिए कि मुझसे डिलीट हो जाता है या फिर क्या होता है कि जो प्रीमियम वर्जन होते हैं आप क्या लगते पाँच लोग यूज़ कर सकते एक साथ में तो पाँच लोग यूज़ कर रहे हैं समझ लीजिए मैंने कॉन्टेंट किया और किसी मेरे कलीग ने गलती से उससे डिलीट हो गया जो डिलीट नहीं करना था तो ऐसा हो जाता है बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है तो उस टाइम क्या करेंगे आपने पूरा आर्टिकल लिख रखा उसके अंदर और डिलीट कर दिया किसी ने या फिर आपसे ही गलती से डिलीट हो गया हो तो उसको रिकवर कैसे करना है वो प्रोसेस हम देखने वाले हैं तो सिंपली आपको ग्रामरली में लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आता है सपोर्ट तो यहाँ पे हम सपोर्ट देखेंगे सपोर्ट पे क्लिक किया तो एक न्यू टैब में ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च का भी आता है तो सर्च पे सम्भि मुझे अपना डॉक्यूमेंट रिकवर करना है जो डिलीट हो चुका है मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करता हूँ रिकवर तो यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि रिकवर डिलीटेड रिकवर डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पे टिप्स एंड ट्यूटोरियल दे देगा कि कैसे आप रिकवर कर सकते हैं यहां पे आता है कॉन्टेक्ट का ऑप्शन तो मैंने यहां पर कॉन्टेक्टस पे क्लिक कर दिया इसके ऊपर तो नेक्स्ट हम उनसे तो क्वेश्चन इसने पूछा व्हाट डिड यू वांट टू टॉक टू अस अबाउट तो अपने पास दो ऑप्शन है रिकवर डिलीटेड डॉक्यूमेंट रिकवर डिलीटेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट गलती से कोई टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिलीट हो गया उसको भी रिकवर करना तो भी कर सकते हैं लेकिन हम यहां पे देखने वाले कंप्लीट डॉक्यूमेंट को रिकवर कैसे करना तो हम करेंगे यहां पे रिकवर डिलीटेड डॉक्यूमेंट तो इसने बता दिया कि अगर आप उस इंस्टेंटली डिलीट करता है गलती से तो आपको अंडू का ऑप्शन आता है वो कर लेना चाहिए था आपको बट अगर वो भी आपने नहीं किया और आपने समझ लिया डिलीट हो गया वो गलती से अब आपस वहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी चला गया आपके हाथ से तो उस टाइम क्या करेंगे कि आप टिकट सबमिट कर सकते हैं सपोर्ट में कि मेरा टाइटल ये था तो आपको रिपोर्ट रिप्लाई कर देंगे अगर वो टाइटल भी आपको गलती से याद नहीं कुछ भी याद नहीं आपको तो यहाँ पर आता है लास्ट में एक दिस पेज पर दिस पेज पर लिंक लगी हुई इस पेज पर क्लिक करेंगे आप तो एक न्यू पेज ओपन होगा तो अभी आपको इस पेज पे एक्चुअली वो दिखाएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स डिलीट हुए रिसेंटली आपके अकाउंट से वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा पूरी तो जैसे इसने दिखा दिया रिसेंटली डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे हम जो भी डिलीट हुए थे रिसेंटली टाइम के साथ दिखा दिया कि इनका टाइटल क्या था जो टाइटल किसका रखा हुआ नहीं था प्रॉपर सिर्फ कॉन्टेंट ही था फॉर एग्जाम्पल मुझे यह वाला आर्टिकल जो कि डिलीट हो रखा है कल का जैसे एलेवंथ को लिख रहा है और यहाँ पे ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी को ये डिलीट हो रखा है और आज ट्वेंटी है कल का डिलीट हो रखा है मुझे इसको रिकवर करना है तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा और इसने दिखा दी कौन कौन से रिसेंट वर्जन तो मैं यहाँ पे समझ कि लेटेस्ट वाला जो वर्जन था डिलीट करते टाइम उसको मुझे डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड की फाइल यहाँ पे मेरा कंटेंट पूरा मुझे मिल गया है यहाँ पर इसको मैं वापस सेलेक्ट करके वापस ग्रामरली में यूज़ कर सकता हूँ तो ये पूरा आर्टिकल था जो मुझे रिकवर करके पूरा मिल गया है ग्रामरली के थ्रू तो आप जब भी कभी गलती से आपके कॉन्टेंट डिलीट हो जाए आपका ग्रामर ग्रामरली के अंदर से तो आप उस ईजीली उसको रिकवर कर सकते हैं ग्रामरली जो टूल है एक्सटेंशन है क्रोम एक्सटेंशन भी अवेलेबल है एम एस वर्ड के अंदर भी अवेलेबल है और काफ़ी जगह आपको ऑनलाइन राइटिंग में स्पेलिंग्स मिस्टेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स पंक्चुएशन एरर्स और टाइपोज वगैरह होता है वो ठीक करने बहुत हेल्प करता है जो प्रीमियम टूल है वो आपको प्ले चेक करने का भी ऑप्शन देता है और कुछ राइटिंग इंप्रूवमेंट के एडवांस सजेशन भी देता है तो अगर उसी टूल को अगर आपको कीबोर्ड मतलब एज आपको मोबाइल में यूज़ करना है मोबाइल में एक की इसकी ऐप अवेलेबल है ग्रामरली कीबोर्ड करके जो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप मोबाइल से भी किसी को अगर लिंकडिन पोस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को मेल भेज रहे हैं किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंस्टेंटली सजेशन मिल जाता है राइटिंग इंप्रूव करने के लिए जिससे आप ग्रामर भी इम्प्रूव कर पाते हैं तो ग्रामरली क्रोम ब्राउजर वगैरह और जो एक्सटेंशन है ग्रामर का जो टूल है एडिटिंग प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत यूज़ आता है अगर उसको अगर मोबाइल पेपर भी यूज़ करना चाहते हैं आप तो कैसे यूज़ करेंगे इस पूरा हम ट्यूटोरियल देखने वाले हैं कि कैसे आप ग्रामरली की को यूज़ करेंगे कौन कौन से फीचर्स है इसके अंदर तो पहले हम फीचर्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फर्स्ट फीचर है कि ग्रामर चेकर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ग्रामर होगी कुछ आ, सेंटेंस को और अच्छे से रिफ्रेश कर सकते हैं वो सजेशन मिल जाते हैं दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक जो होगी वो ठीक हो जाती है वहाँ पर ठीक यानी कि ऑप्शन मिलता है जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे और स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हो जाएगी आपकी देन टाइपोज कुछ आपके कुछ आ, कुछ और मिस्टेक्स कर दिए कंटेंट के अंदर आपने वो ठीक हो जाएगी पंचुएशन एयर होते हैं वो भी आप जैसे पंचुएशन मतलब कहीं पर आपने कॉमा लगानी थी वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया फुल स्टॉप यूज़ नहीं कर एक्सक्लेमेशन मार्क्स की मिस्टेक्स कर दी और जो आपको नहीं करनी चाहिए थी तो आप अच्छे से इंप्रूव कर पाते जैसे आपको प्रोफेशनल मेल्स लिखना है सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है किसी को मैसेज करना है प्रोफेशनली तो उस टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और मोबाइल से आप आजकल क्या कि सारी चीजें डेस्कटॉप के साथ मोबाइल पे ज़्यादा होती है मोबाइल पे आपको हर चीज़ का एक्सेस है ग्रामरली अगर यूज़ करेंगे तो उन सब जो भी एक्सेस यूज़ कर रहे हैं मेल्स राइटिंग या जो भी पचास तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर अपनी राइटिंग को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं तो हम इसका ट्यूटोरियल पूरा देखते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर प्ले स्टोर के अंदर हम जाएंगे वहाँ पर ग्रामरली सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर ओपन किया मैंने यहाँ पर मैंने किया सर्च ग्रामरली तो सबसे ऊपर आ गया हमारे पास ग्रामरली का ऑप्शन ग्रामरली कीबोर्ड टाइप विद कॉन्फिडेंस तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप इंस्टॉल कर लेंगे अब इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो ओपन करते ही गैस स्टार्टेड करेंगे और आपको लॉगिन करना पड़ेगा आप चाहे फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हैं या फिर गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल से लॉग इन कर लेता हूँ तो मैंने अपने कोई भी गूगल अकाउंट से इसको लॉग इन कर लिया तो लॉग इन करने के बाद आपको अकाउंट सेटअप करना है पहले तो ग्रामरली की बोर्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पे इसको अपना जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसकी जगह मैं ग्रामरली यूज़ कर लूँगा तो मैं यहाँ पर ग्रामरली एनेबल कर दिया है देन इनपुट मेथड्स में सेलेक्ट कर करूंगा ग्रामरली आप पे मैं एनेबल कर दूँगा तो जो थीम यूज़ करनी है पे ऑप्शन भी आता है कि कीबोर्ड की थीम आपको डार्क रखनी है कि लाइट रखनी है फॉर एग्जांपल मुझे लाइट डार्क रखनी है नंबर थ्रो रखनी है कि नहीं रखनी है जैसे ऊपर जो नंबर की रो आती है कीबोर्ड के ऊपर वो एनेबल रखनी है तो कुछ और फीचर्स भी हैं इसके अंदर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं की कस्टमाइजेशन में क्या क्या फीचर्स हैं वो देख सकते हैं अभी हम जो कर रहे थे और वाइब्रेट ऑन की प्रेस अब की प्रेस कर तो वाइब्रेशन करना है कि नहीं करना है साउंड करना कि एनेबल तो आप वो सब चीज़ कर सकते हैं पॉपअप आना नहीं चाहिए सब कुछ ये सब चीज़ आप कर सकते हैं ग्रामरली की सेटिंग्स जो आपको एनेबल करनी है अब ग्रामरली में सेटिंग में आपको कौन कौन से फीचर्स एनेबल रखने हैं फॉर एग्जाम्पल टोन डिटेक्शन आपको एनेबल रखना है ऑटो करेक्शन एनेबल रखना है फर्स्ट वर्ड का कैपिटल होना हर सेंटेंस में वो एनेबल रखना है तो सारी चीज़ें मैंने इनेबल रखी है यहाँ पर अब जैसे मैं यहाँ पर ई लिखने चला जाता हूँ जैसे मैंने अपना जी अकाउंट ओपन कर लिया और एक मैं न्यू ई टाइप करता हूँ तो जैसे मैंने ओपन किया जैसे मैं यहाँ पे कंपोज करने चला जाता हूँ ई को कि हाई देर तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है सजेशन तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर लेता हूँ गलती से ताकि डिटेक्शन के आपको एर के सिचुएशन से ऑटो सजेशन भी मिल रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों के मिलते थे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया रिगार्ड्स वीरेंद्र अब आप ग्रामरली का देखेंगे तो ग्रामरली ने यहाँ पर सजेशन दे रखे हैं अब जैसे मैंने दिखा दिया कि कॉलेबोरेट की स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं कॉलेब्रोट पर क्लिक करते ही ये मिस्टेक ठीक कर दी और पॉजिटिव पोस्ट आना था तो पोस्ट पर क्लिक किया तो इस मिस्टेक ठीक कर दी इसने और कुछ होगा जैसे कि यहाँ पर रिगार्ड्स की स्पेलिंग सही नहीं है तो वो भी आप इंप्रूव यहाँ से कर सकते हैं तो ऐसे ग्रामरली पे क्लिक करेंगे और सीधा आपको दिखा दिया इसने यहाँ पे तो इस तरह से सजेशन मिल जाता है आपको ग्रामरली के जैसे गूगल में जी मेल यूज़ कर रहा था अब मैं वहीं पर समझ लू लिंक पोस्ट करने चला जाता हूँ यहाँ पे मैं जैसे मैंने लिंकन ओपन कर लिया अब लिंकन में मुझे कोई पोस्ट शेयर करनी है तो मैं पोस्ट लिखने लग गया यहाँ पे और मैंने समझ लो कोई भी लिखा कि तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट भी हो जाता है और गलती से फिर भी आपके मिस्टेक्स वगैरह रहती है तो यहाँ पर भी ग्रामरली आपके एनेबल है तो यू आर ऑन पॉइंट अगर कोई मिस्टेक है नहीं तो यू आर ऑन पॉइंट कुछ ही मिस्टेक लिखूंगा यहाँ पर मैं जैसे मैंने कैंपेंस कर लिया इसको यहाँ पे मिस्टेक कर लेता हूँ थोड़ा मैं ताकि हम देख पाए कि कैसे सजेस्ट करता है या कॉमा दो बार लगा लेता हूँ मैं और अब मैं ग्रामरली में देखूंगा सजेशन के लिए तो इसने पहले दिखा दिया कि पंक्चुएशन तीन बार आ रखे हैं एक बार आना चाहिए कॉमा आपका तो ये या फिर आना नहीं चाहिए तो वो भी उस हिसाब से बता देगा जैसे एक कर दिया इसने करेक्ट और इज लगा रखा है तो दिस इज आना चाहिए दिस इज नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं रिस्क को कर दूंगा तो इस टाइप से आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स को यहाँ पे चेक कर लेता है टाइपिंग मिस्टेक्स को चेक कर लेता है और मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ तो हमने अभी देख लिया कि ईमेल मेल राइट ई लिखते टाइम कैसे हेल्प करता है ग्रामरली और दूसरा लिंकड सोशल मीडिया पोस्ट जैसे फेसबुक पर भी करेंगे आप फेसबुक पर भी चले जाएंगे तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे समझ लीजिए कि मैं ये पोस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर भी ग्रामरली यहाँ पे दिखा रहा है तो जैसे भी मैं कोई मिस्टेक्स होगी मेरे ग्रामर में वो मुझे डिटेक्ट करके यहाँ पे दिखा देगा तो इससे आप क्या करेंगे कि मोबाइल से भी काफ़ी मिस्टेस जो करते हैं वो आप अवॉइड कर पाएंगे और दूसरे आप कोई भी मैसेंजर भी करें यूज़ चाहे सोशल मीडिया पर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको ग्रामरली वहाँ पर दिखा देगा तो इस तरह से ग्रामरली की बहुत ही बेनिफिशियल है आज के लिए क्योंकि सारे लोग आजकल मोबाइल से ही यूज़ करते हैं जो कि चाहे आपको रेगुलर ई करने हैं प्रोफेशनल ई करने हैं आपके कलीग्स को करने हैं क्लाइंट्स को सेंड करने हैं चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं आप काम जहाँ पे आपको रेगुलर पोस्ट करनी पड़ती है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर लिंकड और बहुत सारे जगह पे करने आपको पोस्ट वगैरह या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो सकती है ग्रामर में और आप अपने कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा हूँ तो वहाँ पर ये ग्रैमिली कीबोर्ड बहुत ही हैंडी आपको यूज़ करना ही करना चाहिए थैंक यू